इस वीडियो में हम बात करेंगे पॉलीमर क्रिस्टलिनिटी के बारे में, जो कि पॉलीमर की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि पॉलीमर की बहुत सी फिजिकल प्रॉपर्टीज उसकी क्रिस्टलिनिटी पर डिपेंड करती हैं। डिपेंडिंग ऑन कि पॉलीमर कितना क्रिस्टलाइन है, हम पॉलीमर की फिजिकल प्रॉपर्टीज को प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं। पॉलीमर्स हमारी लाइफ का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा बन चुके हैं। प्रत्येक दिन हम बहुत सारे पॉलीमेरिक प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, पर कभी हम ये नहीं सोचते कि क्यों और कैसे ये पॉलीमेरिक प्रोडक्ट एक दूसरे से अलग होते हैं। जैसे कुछ पॉलीमेरिक प्रोडक्ट्स ट्रांसपेरेंट और ओपेक होते हैं, फॉर एग्जांपल पानी की बॉटल, मिल्क कंटेनर्स। वहीं दूसरी तरफ पॉलीमेरिक चेयर्स, टेबल्स, स्विंग्स बहुत ही स्ट्रांग होते हैं। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो पॉलीमर को ट्रांसपेरेंट, ओपेक, स्ट्रांग और वीक बनाती है? बहुत सारे फैक्टर्स जो पॉलीमर की ऑप्टिकल और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को इन्फ्लुएंस करते हैं, पॉलीमर क्रिस्टलिनिटी उनमें से एक है। डिपेंडिंग ऑन कि पॉलीमर कितना क्रिस्टलाइन है, पॉलीमर ट्रांसपेरेंट, ओपेक, स्ट्रांग और वीक हो सकते हैं। अब पॉलीमर कितना क्रिस्टलाइन होगा, यह डिपेंड करता है कि पॉलीमर की चेन कितना आसानी से क्रिस्टल बना पाती है। जो पॉलीमर क्रिस्टल बना पाते हैं उनको हम सेमी क्रिस्टलाइन पॉलीमर्स कहते हैं, और जो पॉलीमर क्रिस्टल नहीं बना पाते हैं उनको अमॉर्फस पॉलीमर्स कहते हैं। अमॉर्फस पॉलीमर में पॉलीमेरिक चेन्स रैंडमली ओरिएंटेड होती हैं, मतलब इरेगुलर स्ट्रक्चर में होती हैं। अमॉर्फस पॉलीमर्स की चेन क्रिस्टल नहीं बना पाती हैं, इसलिए ये पॉलीमर क्रिस्टलाइन नहीं होते हैं, और अगर होते भी हैं तो इनकी क्रिस्टलिनिटी बहुत ही कम होती है। अमॉर्फस पॉलीमर को बॉइल्ड नूडल्स की तरह समझ सकते हैं, जहाँ पर नूडल्स एक दूसरे से फिजिकली इंटेंगल्ड होते हैं, एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं। ठीक उसी प्रकार अमॉर्फस पॉलीमर में पॉलीमेरिक चेन्स भी फिजिकली इंटेंगल्ड और एक दूसरे से लूजली बॉन्ड होते हैं, जबकि सेमी क्रिस्टलाइन पॉलीमर्स में पॉलीमर की कुछ चेन रैंडमली ओरिएंटेड होती हैं, जबकि कुछ चेन खुद को इस प्रकार अरेंज करती हैं कि एक ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर बना लेती हैं। इस ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर को हम क्रिस्टल्स कहते हैं, और क्रिस्टल्स बनने की इस प्रोसेस को क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। क्रिस्टल्स को हम एक लकड़ी के बंडल की तरह समझ सकते हैं, जहाँ पर लकड़ी की जगह पॉलीमेरिक चेन्स मिलकर के एक बंडल बनाती हैं। यदि पॉलीमर की सभी चेन्स क्रिस्टल्स बनाती हैं तो इनको क्रिस्टलाइन पॉलीमर्स कहते हैं, बट रियलिटी में कोई भी पॉलीमर 100% क्रिस्टलाइन नहीं है। मोस्ट ऑफ द पॉलीमर सेमी क्रिस्टलाइन है। अब क्वेश्चन आता है कि पॉलीमर चेन्स कैसे ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर बनाती हैं या क्रिस्टल्स कैसे बनते हैं, और क्यों सभी पॉलीमेरिक चेन्स क्रिस्टल्स नहीं बना पाती हैं। सपोज कि यहाँ पर पॉलीमर मेल्ट स्टेट में है। मेल्ट स्टेट में पॉलीमर अमॉर्फस पॉलीमर की तरह बिहेव करता है, जहाँ पर जो पॉलीमेरिक चेन्स होती हैं वो रैंडम ओरिएंटेशन रखती हैं। तो थर्मोडायनेमिकली क्रिस्टल बनाने की जो बेस्ट पॉसिबल सिचुएशन है वो है कि सभी पॉलीमेरिक चेन्स स्ट्रेट लाइन अप हो जाएं एक दूसरे के पैरेलल और इस प्रकार का स्ट्रक्चर बनाएं। बट इस प्रकार का स्ट्रक्चर सिर्फ एक ही कंडीशन में पॉसिबल है, जबकि सारी पॉलीमेरिक चेन्स बहुत ही छोटी हों। सपोज पॉलीमेरिक चेन्स 10 कार्बन एटम से मिलकर के बनी हुई हैं, तो इस केस में यह पॉसिबल है कि 10 कार्बन एटम स्ट्रेट चेन में हों और पॉलीमर चेन्स स्ट्रेट लाइन अप होकर के यह स्ट्रक्चर बना लें। लेकिन याद रहे कि हम यहाँ पर पॉलीमर्स की बात कर रहे हैं, और पॉलीमर्स मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं। पॉलीमर की एक चेन में कई 100 से लेकर के कई हजार रिपीट यूनिट्स होती हैं, तो इस केस में चेन्स स्ट्रेट चेन में ना होकर के इंटेंगल्ड या कॉइल्ड फॉर्म में रहती हैं। इनका कुछ हिस्सा तो स्ट्रेट होता है, बट इनका कुछ हिस्सा इंटेंगलमेंट या कर्व का पार्ट होता है। तो क्रिस्टल बनाने के लिए ये चेन्स स्ट्रेट लाइन अप होने की बजाय फोल्डेड चेन स्ट्रक्चर बनाती हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर पॉलीमेरिक चेन कुछ दूरी तक स्ट्रेच करती है, और जैसे ही कोई इंटेंगल्ड या कर्व्ड पार्ट आता है, ये चेन वापस से मुड़ जाती है, और इस प्रकार से ये बैक एंड फोर्थ फोल्ड हो करके फोल्डेड चेन स्ट्रक्चर बनाती हैं। यहाँ पर जो पॉलीमर चेन का स्ट्रेट पार्ट होता है वो क्रिस्टल बनाने में भाग लेता है, और इंटेंगल कर्व या क्वाइल्ड पार्ट होता है वो अमॉर्फस रीजन बनाता है।
पॉलीमर चेन की चेन एंड भी रिमेनिंग पॉलीमर चेन से बहुत अलग होती है, इसलिए चेन एंड्स भी क्रिस्टल बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ये फोल्डेड चेन स्ट्रक्चर एक या एक से ज्यादा चेन्स बना सकती हैं। ये डिपेंड करता है कि चेन कितनी फ्लेक्सिबल है। अगर चेन फ्लेक्सिबल है तो वो फोल्ड होकर के वापस उसी क्रिस्टल में जा सकती है, और अगर फ्लेक्सिबल नहीं है तो ये दूसरे क्रिस्टल का भी पार्ट हो सकती है। फाइनली ये फोल्डेड चेन स्ट्रक्चर स्टैक या पाइलअप होकर के एक नया स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको कहते हैं लैमेला। लैमेला एक क्रिस्टल की फंडामेंटल यूनिट होती है या फंडामेंटल स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पर हम इस इमेज में देख सकते हैं कि ये जो स्ट्रेट लाइंस हैं वो रिप्रेजेंट करती हैं क्रिस्टलाइन रीजन को, और ये जो लूप्स हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं अमॉर्फस रीजन को। धीरे धीरे ये लैमेला रेडियली ग्रो करते हैं और एक नई संरचना का निर्माण करते हैं जिसको कहते हैं स्फेरोलाइट। स्फेरोलाइट थ्री डायमेंशनल स्फेरिकल शेप होते हैं जहाँ पर लैमेला आपस में अमॉर्फस रीजन के थ्रू जुड़े हुए होते हैं। ये अमॉर्फस रीजन इन स्फेरोलाइट को और इन क्रिस्टल्स को फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करता है, जबकि क्रिस्टलाइन रीजन इनको स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। स्फेरोलाइट का साइज कुछ माइक्रोन से लेकर के 1 सेंटीमीटर तक हो सकता है। मेल्ट में स्फेरोलाइट बनेंगे या नहीं बनेंगे या किस साइज के बनेंगे ये बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जैसे कि कितनी न्यूक्लिएटिंग साइट्स हैं, कूलिंग रेट क्या है और पॉलीमर का स्ट्रक्चर कैसा है। अब देखते हैं कि पॉलीमर किन कंडीशंस में क्रिस्टल्स फॉर्म करते हैं या ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं जो पॉलीमर क्रिस्टलाइजेशन को फेवर करती हैं। तो पहला है मेल्ट क्रिस्टलाइजेशन। जब किसी पॉलीमर मेल्ट को ठंडा करते हैं तो ड्यूरिंग कूलिंग पॉलीमर्स क्रिस्टल्स बनाना स्टार्ट कर देते हैं, इसको मेल्ट क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। मेल्ट क्रिस्टलाइजेशन दो प्रकार का होता है, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस क्रिस्टलाइजेशन पॉलीमर मेल्ट में टेम्परेचर ग्रेडियंट की वजह से होता है। टेम्परेचर ग्रेडियंट यह बताता है कि किस दिशा और कहां पर पॉलीमर मेल्ट में टेम्परेचर बहुत तेजी से चेंज हो रहा है या फ्लक्चुएट हो रहा है। चूंकि पॉलीमर मेल्ट में कॉइल्ड और इंटेंगल्ड चेन होती हैं तो इन जगहों पर क्या होता है कि चेन डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, और जिस वजह से यहाँ का टेम्परेचर बाकी जगह की टेम्परेचर के कंपैरिजन में काफ़ी जल्दी से चेंज होता रहता है, फ्लक्चुएट होता रहता है। और ये इंटेंगल्ड चेन्स या कॉइल्ड चेन्स ही न्यूक्लियाई की तरह काम करते हैं। बाद में धीरे धीरे पॉलीमेरिक चेन्स आकर के इन पर और जुड़ती रहती हैं और क्रिस्टल्स का फॉर्मेशन करती हैं। जबकि हेट्रोजीनियस क्रिस्टलाइजेशन किसी बाहरी पार्टिकल की प्रेजेंस में होता है। ये पार्टिकल डस्ट पार्टिकल्स हो सकते हैं या पॉलीमर प्रॉपर्टी को मॉडिफाई करने के लिए मिलाए जाने वाले एडिटिव। इस केस में ये पार्टिकल ही प्री एग्जिस्टिंग न्यूक्लियाई की तरह काम करते हैं और क्रिस्टल्स इन्हीं पार्टिकल्स के ऊपर ग्रो करते हैं। इस प्रोसेस में बहुत ही छोटे क्रिस्टल्स बनते हैं क्योंकि पहले से ही हजारों लाखों न्यूक्लियाई मौजूद होते हैं और सारे क्रिस्टल्स एक साथ ही ग्रो करना शुरू करते हैं। जबकि होमोजीनियस क्रिस्टलाइजेशन में न्यूक्लियस मेल्ट से बनते हैं और इस प्रोसेस में क्रिस्टल बड़े और कम संख्या में बनते हैं। नेक्स्ट है क्रिस्टलाइजेशन ड्यूरिंग स्ट्रेचिंग, और इसको हम स्ट्रेस इंड्यूस्ड क्रिस्टलाइजेशन भी कहते हैं। जब किसी पॉलीमर को उसके ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर के ऊपर फोर्स लगा करके खींचते हैं तो पॉलीमर के अमॉर्फस रीजन में पाई जाने वाली इंटेंगल्ड और कॉइल चेन्स अनफोल्ड और ओपन होने लगती हैं, और जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया जा रहा होता है उस डायरेक्शन में अलाइन करना या ओरिएंट करना शुरू कर देती हैं। इस अलाइनमेंट और ओरिएंटेशन को ही क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। पॉलीमर को सॉल्वेंट इवेपोरेशन मेथड से भी क्रिस्टलाइज किया जा सकता है। ये प्रोसेस डिपेंड करता है कि पॉलीमर सॉल्यूशन कितना डाइल्यूट है। डाइल्यूट सॉल्यूशन में पॉलीमर की चेन्स एक दूसरे से अलग होती हैं क्योंकि चेन्स के बीच में सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसलिए चेन्स सॉल्यूशन में इंडिविजुअली पाई जाती हैं। जब सॉल्यूशन को हीट करते हैं तो सॉल्वेंट एवोपरेट होता है जिससे पॉलीमर की कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन में बढ़ने लगती है और पॉलीमेरिक चेन्स एक दूसरे के नज़दीक आने लगती हैं। चूँकि एवोपरेशन हाई टेम्परेचर पर होता है इसलिए पॉलीमर चेन्स में सफिशियंट मोबिलिटी होती है क्रिस्टल फॉर्म करने के लिए।
पॉलीमर की कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन में बढ़ने के साथ साथ पॉलीमर की डिग्री ऑफ क्रिस्टलिनिटी भी बढ़ती रहती है। इस मेथड से क्रिस्टलाइज किए हुए पॉलीमर हाईली क्रिस्टलाइन होते हैं। अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्यों कुछ पॉलीमर्स हाईली क्रिस्टलाइन होते हैं तो कुछ हाईली अमॉर्फस। वो कौन से फैक्टर्स हैं जो पॉलीमर क्रिस्टलिनिटी को प्रभावित करते हैं? पॉलीमर स्ट्रक्चर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, क्योंकि कुछ पॉलीमर्स लीनियर होते हैं तो कुछ ब्रांच्ड होते हैं, कुछ में स्मॉल साइड ग्रुप्स होते हैं तो कुछ में बल्की साइड ग्रुप्स होते हैं। तो इन सारे फैक्टर्स के प्रभाव को समझने से पहले हमें ये समझना जरूरी है कि पैकिंग क्या होती है। सपोज कि हमारे पास दो बॉक्स हैं, एक बॉक्स में हमें सेम शेप्स की चीजें भरनी है और दूसरे बॉक्स में डिफरेंट शेप्स की चीजें भरनी है। तो दोनों बॉक्स में से किसमें सबसे ज्यादा चीजें भरी जा सकती हैं? ऑब्वियसली जिसमें सेम शेप्स होंगे। क्यों? क्योंकि सेम शेप्स की चीजों को बॉक्स में अच्छे से अरेंज करके भरा जा सकता है, ज्यादा मात्रा में भरा जा सकता है। ठीक इसी प्रकार यदि हमारे पास दो पॉलीमर्स हैं, एक लीनियर पॉलीमर है और एक ब्रांच्ड पॉलीमर है, तो लीनियर पॉलीमर्स की चेन ज्यादा अच्छे से आसानी से पैक कर पाएंगी कंपेयर टू ब्रांच्ड पॉलीमर। इसलिए लीनियर पॉलीमर्स हाईली क्रिस्टलाइन होते हैं जबकि ब्रांच्ड पॉलीमर्स कम क्रिस्टलाइन होते हैं। सिमिलरली यदि हमारे पास दो पॉलीमर हैं, एक पॉलीमर में जो साइड चेन है वो एक स्मॉल साइड चेन है और दूसरे पॉलीमर में एक बल्की साइड चेन है, तो पॉलीमर जिसमें स्मॉल साइड चेन है वो पॉलीमर आसानी से पैकिंग कर पाएगा कंपेयर टू बल्की साइड चेन पॉलीमर के। इसीलिए पॉलीप्रोपिलीन ज्यादा क्रिस्टलाइन होता है पॉलीस्टाइरीन के कंपैरिजन में। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हमेशा क्रिस्टलिनिटी को फेवर करते हैं। ये फोर्स पॉलीमेरिक चेन्स को एक साथ बांध कर रखते हैं, इसलिए पॉलीमर्स जिनमें डायपोल डायपोल इंटरेक्शन या हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो हाईली क्रिस्टलाइन होते हैं, जैसे कि नायलॉन। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पॉलीमर के मेल्टिंग पॉइंट को भी बढ़ा देते हैं, जैसे कि पॉलीएथिलीन और नायलॉन दोनों ही हाईली क्रिस्टलाइन पॉलीमर हैं, पर नायलॉन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से नायलॉन का मेल्टिंग पॉइंट पॉलीएथिलीन के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होता है। पॉलीमर की क्रिस्टलिनिटी इस फैक्टर पर भी डिपेंड करती है कि पॉलीमर बैकबोन में साइड ग्रुप्स किस प्रकार से अरेंज होते हैं। यदि सभी साइड ग्रुप्स चेन बैकबोन के लेफ्ट या राइट साइड अरेंज होते हैं तो ऐसे पॉलीमर्स को आइसोटैक्टिक पॉलीमर्स कहते हैं। यदि साइड ग्रुप्स अल्टरनेटिंग फैशन में अरेंज होते हैं तो ऐसे पॉलीमर्स को सिंडायोटैक्टिक पॉलीमर्स कहते हैं, और यदि साइड ग्रुप्स रैंडमली अरेंज होते हैं तो ऐसे पॉलीमर्स को अटैक्टिक पॉलीमर्स कहते हैं। आइसोटैक्टिक और सिंडायोटैक्टिक पॉलीमर में सिमिट्री होने की वजह से ये चेन्स आसानी से पैक हो जाती हैं, और इसलिए आइसोटैक्टिक और सिंडायोटैक्टिक पॉलीमर्स क्रिस्टलाइन होते हैं, जबकि अटैक्टिक पॉलीमर में साइड ग्रुप्स के रैंडम ओरिएंटेशन होने की वजह से ये पॉलीमर चेन पैक नहीं हो पाती हैं और ये पॉलीमर अमॉर्फस होते हैं। ओके, नेक्स्ट फैक्टर है कूलिंग रेट। जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया है कि जब किसी पॉलीमर मेल्ट को कूल करते हैं तो पॉलीमर क्रिस्टलाइज होता है। यदि कूलिंग रेट बहुत ज्यादा होता है तो पॉलीमर को इनफ टाइम नहीं मिलता है क्रिस्टल बनाने के लिए, और रेट ज्यादा होने की वजह से मेल्ट का टेम्परेचर भी बहुत फास्ट ड्रॉप करता है, जिसकी वजह से पॉलीमर चेन की मोबिलिटी भी कम होती जाती है, और इसीलिए ये हाई कूलिंग रेट पर क्रिस्टल्स नहीं बना पाते हैं। इसी प्रकार यदि कूलिंग रेट बहुत ही कम होती है तो क्या होता है कि पॉलीमर को क्रिस्टलाइज होने के लिए बहुत ज्यादा टाइम चाहिए होता है, और कूलिंग रेट कम होने की वजह से मेल्ट का टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से स्टेबल न्यूक्लियाई नहीं बन पाते हैं और बहुत कम कूलिंग रेट पर भी बहुत ज्यादा क्रिस्टल्स नहीं बन पाते हैं। इसीलिए पॉलीमर को क्रिस्टलाइज करने के लिए एक ऑप्टिमम कूलिंग रेट चूज करना बहुत जरूरी है। एनीलिंग एक हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है जहां पर पॉलीमर को उसकी ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर के ऊपर आइसोथर्मली रखा जाता है। एनीलिंग प्रोसेस में पॉलीमर को क्रिस्टलाइज करने के लिए सफिशियंट टाइम देते हैं, और इसीलिए एनीलिंग पर पॉलीमर क्रिस्टलिनिटी हमेशा बढ़ जाती है। जैसा कि आप यहाँ पर इस इमेज में देख सकते हैं कि पहले क्रिस्टल्स बहुत छोटे होते हैं, और जैसे हम इस पॉलीमर को एनील करते हैं उसके ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर और मेल्टिंग टेम्परेचर के बीच में और पॉलीमेरिक चेन्स आकर के इन क्रिस्टल्स पर जुड़ती जाती हैं
और इन क्रिस्टल्स का साइज बड़ा होता जाता है, मतलब कि पॉलीमर की क्रिस्टलिनिटी बढ़ती जाती है। नेक्स्ट फैक्टर है फॉरेन पार्टिकल्स और फिलर्स। जब किसी पॉलीमर को किसी फॉरेन पार्टिकल, बाहरी पार्टिकल या फिलर की प्रेजेंस में क्रिस्टलाइज करते हैं तो इस प्रकार के क्रिस्टलाइजेशन को हेट्रोजीनियस क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। हेट्रोजीनियस क्रिस्टलाइजेशन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। जनरली बाहरी पार्टिकल की प्रेजेंस में पॉलीमर्स काफी तेजी से क्रिस्टलाइज करते हैं क्योंकि ये पार्टिकल्स प्री एग्जिस्टिंग न्यूक्लियाई की तरह काम करते हैं, इसलिए पॉलीमर को क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस में न्यूक्लिएशन स्टेप से होकर के नहीं गुजरना पड़ता है और साथ में ही बहुत सारे न्यूक्लियस एक साथ मौजूद होते हैं, इसलिए क्रिस्टल्स भी एक साथ ग्रो करना स्टार्ट करते हैं और इसीलिए इस प्रोसेस में काफी कम टाइम लगता है। प्लास्टिसाइजर की प्रेजेंस में पॉलीमर क्रिस्टलिनिटी कम हो जाती है क्योंकि प्लास्टिसाइजर पॉलीमर चेन्स के इंटरमोलिकुलर फोर्स को कम कर देते हैं और इसीलिए जैसे जैसे प्लास्टिसाइजर का कंटेंट बढ़ता जाता है पॉलीमर क्रिस्टलिनिटी कम होती जाती है। पॉलीमर क्रिस्टलिनिटी को दो मेथड से मेजर कर सकते हैं, डीएससी और एक्सआरडी। डीएससी मेजर करता है कि जब किसी पॉलीमर सैंपल को हीट करते हैं तो ग्लास ट्रांजिशन, मेल्टिंग और क्रिस्टलाइजेशन के दौरान हीट किस रेट से एब्जॉर्ब होती है या रिलीज होती है। क्योंकि ग्लास ट्रांजिशन और मेल्टिंग के दौरान पॉलीमर हीट एब्जॉर्ब करते हैं, इसलिए ये ट्रांजिशन एज अ एंडोथर्म अपीयर होते हैं, जबकि क्रिस्टलाइजेशन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, इसलिए क्रिस्टलाइजेशन एक एक्सोथर्मिक पीक के रूप में दिखाई देता है। पॉलीमर क्रिस्टल्स को मेल्ट करने के लिए जो एनर्जी की जरूरत होती है या हीट की जरूरत होती है उसको हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं और हीट ऑफ फ्यूजन से ही पॉलीमर की डिग्री ऑफ क्रिस्टलिनिटी या परसेंट क्रिस्टलिनिटी कैलकुलेट करते हैं। सपोज किसी दिए गए पॉलीमर की हीट ऑफ फ्यूजन 141 जूल्स पर ग्राम है और उसी पॉलीमर के लिए 100% क्रिस्टलाइन पॉलीमर की हीट ऑफ फ्यूजन 290 जूल पर ग्राम है, तो पॉलीमर की परसेंट क्रिस्टलिनिटी या डिग्री ऑफ क्रिस्टलिनिटी 49% होगी। जनरली 100% क्रिस्टलाइन पॉलीमर नहीं होते हैं, इसलिए 100% क्रिस्टलाइन पॉलीमर की हीट ऑफ फ्यूजन वैल्यू हम हमेशा लिटरेचर से लेते हैं। एक्सरे डाइफ्रेक्शन टेक्निक से भी पॉलीमर क्रिस्टलिनिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। एक्सआरडी स्पेक्ट्रम में दो प्रकार की पीक्स मिलती हैं। पहली शार्प पीक जो पॉलीमर के क्रिस्टलाइन रीजन से आती है और दूसरी ब्रॉड पीक जो पॉलीमर के अमॉर्फस रीजन से आती है। यदि पॉलीमर 100% क्रिस्टलाइन है या हाईली क्रिस्टलाइन है तो सिर्फ शार्प पीक्स ही मिलती हैं और यदि पॉलीमर अमॉर्फस है तो एक ब्रॉड पीक या हम्प मिलता है। यदि पॉलीमर सेमी क्रिस्टलाइन है तो ओवरलैप्ड स्पेक्ट्रम मिलता है जहां पर शार्प पीक्स और ब्रॉड पीक दोनों ही होती हैं। परसेंट क्रिस्टलाइनिटी कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले क्रिस्टलाइन पीक को अमॉर्फस पीक से सेपरेट करते हैं और फिर दोनों पीक्स के एरिया का, दोनों पीक के अंदर का एरिया कैलकुलेट करते हैं। परसेंट क्रिस्टलाइनिटी कैलकुलेट करने के लिए क्रिस्टलाइन एरिया को टोटल एरिया से डिवाइड करते हैं और जो वैल्यू आती है वो पॉलीमर की क्रिस्टलिनिटी कहलाती है। अब देखते हैं कि पॉलीमर क्रिस्टलिनिटी का ऑप्टिकल, थर्मल और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज पर क्या असर होता है। सेमी क्रिस्टलाइन पॉलीमर्स जनरली ट्रांसल्यूसेंट और ओपेक होते हैं जबकि अमॉर्फस पॉलीमर्स ट्रांसपेरेंट होते हैं। सेमी क्रिस्टलाइन पॉलीमर्स में क्रिस्टल्स स्कैटरिंग सेंटर की तरह काम करते हैं जिसके कारण लाइट या तो स्कैटर होती है या रिफ्लेक्ट होती है। क्योंकि लाइट एक तरफ से दूसरी तरफ नहीं जा पाती है इसलिए ये पॉलीमर्स ओपेक होते हैं, जबकि अमॉर्फस पॉलीमर्स में क्रिस्टल नहीं होने के कारण लाइट पास हो जाती है और ये पॉलीमर ट्रांसपेरेंट होते हैं। सेमी क्रिस्टलाइन पॉलीमर्स का ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर अमॉर्फस पॉलीमर के ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर की कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होता है क्योंकि क्रिस्टल्स फिजिकल क्रॉसलिंक की तरह काम करते हैं जो पॉलीमर की चेन मोबिलिटी को रिस्ट्रिक्ट करते हैं और फ्री वॉल्यूम को भी कम कर देते हैं, इसलिए क्रिस्टलिनिटी बढ़ने के साथ साथ पॉलीमर का ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर भी बढ़ जाता है। क्रिस्टलिनिटी पॉलीमर की थर्मल स्टेबिलिटी को भी बढ़ा देते हैं
क्योंकि क्रिस्टल्स को मेल्ट करने के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, इसलिए क्रिस्टलिनिटी बढ़ने के साथ साथ थर्मल स्टेबिलिटी भी बढ़ती है। जनरली क्रिस्टलिनिटी बढ़ने के साथ साथ पॉलीमर का मॉडुलस और टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ जाते हैं। अमॉर्फस पॉलीमर की तुलना में सेमी क्रिस्टलाइन पॉलीमर्स का मॉडुलस और स्ट्रेंथ ज्यादा होता है, लेकिन इलोंगेशन एंड ब्रेक कम होता है। मॉडुलस ज्यादा इसलिए होता है क्योंकि क्रिस्टल फिजिकल क्रॉसलिंक की तरह काम करते हैं, जिससे चेन की रिजिडिटी बढ़ जाती है और जो पॉलीमर के मॉडुलस को बढ़ा देते हैं। सेमी क्रिस्टलाइन पॉलीमर की स्ट्रेंथ भी इसीलिए ज्यादा होती है क्योंकि क्रिस्टल्स लोड बेयर करना शुरू कर देते हैं, और जैसे जैसे क्रिस्टलिनिटी बढ़ती है पॉलीमर की लोड बेयरिंग कैपेसिटी भी बढ़ती है। सेमी क्रिस्टलाइन पॉलीमर्स का इलोंगेशन एट ब्रेक कम होता है क्योंकि क्रिस्टल्स स्ट्रेच नहीं कर पाते हैं, और क्रिस्टलिनिटी बढ़ने के साथ साथ इलोंगेशन एट ब्रेक और भी कम होता जाता है। तो आज का वीडियो यहीं पर खत्म होता है। यदि आपको कोई सजेशन या क्वेश्चन है तो प्लीज कमेंट कीजिए। यह मेरा हिंदी में पहला वीडियो है। यदि पसंद आए तो हमारे चैनल पॉलीमर वर्ल्ड को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।